उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर लीक होने के चलते अचानक परीक्षा को निरस्त कर दिया गया, जिससे केंद्रों पर हड़कंप मच गया। बता दें कि परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों के बैठने के आधे घंटे बाद परीक्षा निरस्त करने की घोषणा केंद्राध्यक्ष ने की। इस दौरान ज्यादातर छात्रों ने कुछ प्रश्नों को हल कर लिया था। बता दें कि जौनपुर जिले के 68 केंद्रों पर परीक्षा कराई जानी थी। दोनों ही पालियों में 70,125 अभ्यर्थियों को शामिल होना था। जब परीक्षा निरस्त की घोषणा हुई, तब तक परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी अपने अभिभावकों के साथ पहुंच चुके थे, लेकिन सूचना के बाद आनन फानन में परीक्षार्थी अपने अभिभावकों को लेकर वापस लौटने लगे, जिससे शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में हर जगह जाम लग गया। मेरा तो लगभग 75% हो गया था। तो कैसा फील कर रहे हैं? फील क्या कर रहे हैं, जब बाद में न्यूज आई कि कैंसिल हो गया तो बहुत बेकार लगा, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत आसान दिया था, लग रहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। जी आप कहाँ आई थी आज? पेपर देने आए थे टेट का। क्या हुआ? निरस्त हो गया। जो का रोज का नाटक वही, इस बार का भी वही हुआ, निरस्त हो गया। ITET की परीक्षा थी, उसमें परीक्षा सत्र जो है शासन प्रशासन और विद्यालय के सभी कर्मचारियों के सहयोग से समय से प्रारंभ हुई। शाम पूर्व परीक्षा चल रही थी, बीच में जिलाधिकारी महोदय द्वारा मैसेज आया कि परीक्षा स्थगित कर दी गई है। सभी छात्रों से शाम पूर्व बताते हुए उनका पेपर और आंसर शीट कलेक्ट करके और सबका मिलान करके उनको जो है ये बता रहे हैं कि परीक्षा की तिथि पुनः घोषित की जाएगी और वो आकर अपने सेंटर पर परीक्षा देंगे। कतिपय कारणों से परीक्षा निरस्त की गई है और इसको हम लोग संज्ञान में लेते हुए सेक्टर मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश का आदेश भी था, उसको संज्ञान लेते हुए पेपर का कलेक्ट करके कर्मियों को सील करके हम सेक्टर मजिस्ट्रेट को इसी पर आएंगे। नौ बच्चों को छोड़ेंगे, छात्र पुनः सूचना प्राप्त होने पर परीक्षा